सब्सक्राइब कीजिए एफके गुरु चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो एफके गुरु चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे, कुछ कमेंट आया हो उसके बारे में मैं सोचूंगा आज आंसर देने के लिए, क्योंकि एक एक आदमी के आंसर देना बहुत मुश्किल है। इसके लिए मैं सोचा हूं कि आपको एक ही बार एक वीडियो बना के आपको एक आंसर दे दूं। इसमें से 5-6 हमने कमेंट लिया है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं एक बात और बता दूं, मैं बहुत सोचता हूं कि लाइव आने के लिए, मगर मेरे पास टाइम की कमी है, इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि लाइव आऊं और लाइव आकर आप लोग से ज्यादा आदमी का आंसर क्वेश्चन हो और आपसे कुछ जानकारी हम लें और कुछ जानकारी आपको भी दें। चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि 50 बकरी को रखने के लिए कितनी जगह की जरूरत है। सबसे पहला सवाल है, ये कोई लेडीज है, उन्होंने क्वेश्चन किया है। तो इसका आंसर ये होगा कि आप एक बकरी को रखने के लिए 10 स्क्वायर फीट जगह चाहिए, यानी बकरी को सिर्फ रात भर रखने के लिए, एक जगह रखने के लिए, ये नहीं कंटिन्यू 24 आवर रखने के लिए नहीं उसको, इस क्योंकि वो जगह थोड़ा कम होगा 10 पे, मगर एक बकरी वहां पर रह सकती है रात के टाइम में। दिन के टाइम में आपको उसको खुले जगह पर रखना होगा। मान लीजिए एक रूम बना दिए उसमें रहने के लिए नाइट में, और डे में उसको खुले जगह पर आप बाउंड्री घेर कर आप वहां पर उसको छोड़ सकते हैं। और क्या होगा कि वहां पे वो खुले घूम सकती, क्योंकि बकरी को आजादी चाहिए, जिस तरह हम लोग को आजादी चाहिए घूमने फिरने के लिए, उस तरह बकरी को, बकरा को भी आजादी चाहिए, क्योंकि वो घूमेंगे दौड़ेंगे फिरेंगे तो उससे उनका ग्रोथ जल्दी बढ़ता है। वो एक जगह पर फंसे रहेंगे तो उससे वो क्या होगा, वो जल्दी नहीं बढ़ते हैं, जल्दी बड़ा नहीं हो पाते हैं। उसके बाद आइए दूसरा हम सवाल जानते हैं, बकरी को कितना डिग्री के बाद बुखार या फीवर होता है। तो मैं आपको बता दूं कि 101 से लेके 103 तक जो डिग्री होता है, 101 डिग्री से लेके 103 डिग्री तक वो नॉर्मल डिग्री होता है, उसके ऊपर जो होता है वो फीवर यानी बुखार बकरी को हो जाता है। 101 से लेके 103 तक उसके ऊपर जो फीवर या बुखार जो भी आप वो होता है। उसके बाद तीसरा सवाल है, आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, मैं बिहार का रहने वाला हूं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, आपने यूट्यूब से कितना पैसा कमाया। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि यूट्यूब पे हम कंटिन्यू काम नहीं करते हैं, इसलिए हम 1 रुपया भी नहीं कमाए हैं यूट्यूब से, क्योंकि यूट्यूब के लिए हम उतना टाइम दे नहीं पाते हैं और पैसा कमाने के लिए कहीं भी उस चीज पर ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, तब आप पैसा कमा सकते हैं किसी भी जगह, क्योंकि हमारा एक जॉब है, हम जॉब करते हैं, इसके लिए हम यूट्यूब पे उतना टाइम दे नहीं सकते हैं और नहीं दे दिए हैं अभी तक, आगे मालूम नहीं दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, मगर हमने अभी तक 1 रुपया यूट्यूब से नहीं कमाया है। कोशिश करेंगे आगे देखने के लिए, आगे मेहनत करेंगे फिर देखते हैं टाइम मिले तो। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, क्या आप बकरी फार्म खोले हुए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं कोई बकरी फार्म अभी तक नहीं खोला हूं, मगर हाँ 3 साल से उस चीज पे हम सर्च करते हैं, बहुत सा बकरी फार्म में जाकर घुमा हूं, बहुत से लोग से मिला हूं जो नॉर्मल बकरी पालते 2-4 उनसे भी मिला हूं, उनसे बात किया हूं, उस चीज पर जानकारी हम लेते हैं हर मौसम के बारे में, क्योंकि कोई भी फार्म कोई बिजनेस करने से पहले उसका पूरा नॉलेज जानकारी लेना जरूरी है। उसके बाद मगर मेरा पूरा प्लानिंग है कि 1 साल के अंदर में बकरी फार्म करने के लिए, अभी क्या हमारा जॉब है इसलिए हमारे पास टाइम नहीं मिल पा रहा, मगर मेरा प्लानिंग है कि उस सेटअप सही हो जाए, उसके पूरी जानकारी हमारे पास हो जाए तो हम जाकर उस बकरी फार्म करें। ऐसी जानकारी तो बहुत सी मिल चुकी है, मगर बात यह है कि मेरे पास टाइम नहीं, ऑलरेडी हमारा जॉब है, इसके लिए अपना घर परिवार को सब देखने के बाद आदमी वो काम कर सकता है। उसके बाद है, एक दोस्त ने पूछा है कि क्या आप कपड़ा का बिजनेस करना चाह रहे हैं, कहां से हम कपड़ा खरीदें, यानी वो कपड़ा खरीदना चाह रहे हैं थोक में।
मैं उनको बता दूं, मैं अभी तक तो कोई ऐसा वीडियो इस पे नहीं डाला हूं, मगर कोशिश करेंगे कि आगे मैं वीडियो इस पे डालूं, बताऊं कहां से आप कपड़ा खरीद सकते हैं। मगर आप लेडीज कपड़ा अगर चाह रहे हैं तो आप सूरत से जाकर, यानी गुजरात में सूरत पड़ता है, वहां से जाकर आप खरीद सकते हैं। जेंट्स आइटम हो गया शर्ट टी शर्ट पैंट, तो आप, या बच्चा का आइटम हो गया, तो आप दिल्ली के गांधीनगर होलसेल मार्केट है, वहां से आप जाकर खरीद सकते हैं। मैं ऑलरेडी एक वीडियो में इसमें बनाया हूँ, जो कि कपड़ा का रैक जो होता है काउंटर कैसे बनाए, तो उस पर आप जाकर देख सकते हैं वीडियो, क्योंकि वो वीडियो भी वो बहुत अच्छा है, कैसा है, एक अच्छा कंडीशन में कम पैसे में 50 से 60 हज़ार में एक अच्छा रैक, खूबसूरत रैक गांव देहात में जो मार्केट होता है उधर बना सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का कुछ कमेंट, अगर आपका कुछ कमेंट है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, और फिर इसका आंसर मैं कोशिश करूंगा हर वीक देने के लिए, किसी भी दिन को, ऐसे मैं दिन फिक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी दिन को मैं कोशिश करूंगा देने के लिए। अभी थोड़ा मेरा टाइम का प्रॉब्लम, इसके लिए मैं कोई दिन फिक्स नहीं कर रहा हूँ, और आगे कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए भी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हम निकालें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।